हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी सब्जियाँ भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो जब कुछ भी आपके पास नहीं बचे तो आप बेसन से ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली सब्जी बना सकते हैं। और ये इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे पितौर बोलते हैं और कहीं मीजा बोलते हैं, कहीं राशेज बोलते हैं। तो ये राजस्थानी, मारवाड़ी, यूपी, बिहार सभी जगह ये बनाई जाती है और बहुत ही फेमस डिश है, बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल डिश है। तो चलिए मैं बनाती हूँ ये रेसिपी। क्या क्या चाहिए इसके लिए? इस रेसिपी में मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगी ताकि आपके जो पितौर हैं वो बिल्कुल अच्छे बने और बिल्कुल भी घुले नहीं। क्या होता है कि कभी कभी लोग सही से नहीं बनाते हैं तो जो हमारे बेसन की कतली होती है वो हमको जब ग्रेवी में डालते हैं तो घुल जाती है। तो सारे टिप्स के साथ बताओ। यहाँ पे मैंने 1 बाउल बेसन लिया है और यहाँ पे, और ये मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर और ये मैंने गार्लिक और चिली लिया है, इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। और सबसे पहले हम लोग इसकी जो पितौड़ होती है वो बनाएंगे सबसे पहले। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्योंकि पहले हमें पितौड़ बनाने हैं और उसके बाद बेसन, फिर हम उसकी करी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन में हल्दी, नमक मैंने ऐड किया है, यहाँ पे स्वाद के अनुसार जितना क्वांटिटी आप लेना चाहें और उतना ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसका हमको एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। और बैटर बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके वाटर उसको हमको बनाना है इस तरह से, और एकदम इसमें गांठे नहीं होने चाहिए, लम्स नहीं, लम्स फ्री बनाना है हमको इसका बैटर, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर लम्स पड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका बैटर बना लिया है और इसका बैटर इस तरह का ही रखना चाहिए हमें। तो आप देख सकते हैं कैसा है और इसको थोड़ा अच्छे से हम इसको बीट कर लेंगे ताकि एकदम लम्स नहीं रहें। दूसरी तरफ हम एक बड़ी सी थाली लेंगे जिसके ऊपर हम इसको फैलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीस कर लिया है थाली को, थाली को उल्टा करके हमको इसके ऊपर लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है और बैटर भी हमारा ये रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा ऑयल और उसमें जीरा और हींग ऐड किया, उसके बाद जो हमने यहाँ पे घोल बनाया था वो घोल हमने ऐड कर दिया है और कंटिन्यूअस इसको हमको चलाना है, नहीं तो लम्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, आपको इस तरह से चलाना है और चलाते हुए ही हमको इसको बनाना है। तब तक हमें, जब तक चलाते रहना है जब तक कि हमें इस तरह का एक अच्छे से घोल जो है पक नहीं जाए। और इसको हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाएगा। इसको धीरे 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 हमको पकाना है और तब तक हमें पकाना है जब तक कि अच्छे से ये पक नहीं जाए। तो और कंटिन्यूस हिलाते हुए ये अभी आपको ठीक होने लगा है धीरे धीरे, और उसके बाद एक डो जैसा रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और बेसन एकदम अच्छे से पक गया है, इसमें आप देख सकते हैं एकदम अच्छा बना है, परफेक्ट है और इसमें कोई लम्स भी नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम। इस तरह से कढ़ाई छोड़ देना चाहिए, मीन्स ये हमारा बेसन अब हो गया है। अब हम इसको जो प्लेट पे मैं पहले से ग्रीस करके रखी थी उसके ऊपर मैं फैला दूंगी इसको, और यहाँ पे फैलाने के बाद अच्छे से इसको हमको फैलाना है। और फैलाते समय, क्योंकि ये गरम गरम ही हमें फैलाना होता है, तो आपको क्या करना है कि हाथों में थोड़ा सा हम ऑयल या आप थोड़ा सा पानी लगा ले, पानी लगा ले क्योंकि ऑयल से बाद में कर सकते हैं, पहले इसको हाथ में पानी लगा के ही फैलाना पड़ेगा क्योंकि गर्म होता है तो हाथ जलने का भी रहता है, तो इस बात का हमको ध्यान देना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लिया है और इसको इस तरह से थपथपाते हुए इसको मैं फैला रही हूँ। और
और इसको जितना आपको उसकी रखना हो मोटाई, उस हिसाब से आप उसको फैला लें, उसी हिसाब से आपको उसकी कतली बनानी है। और उसके बाद थोड़ी देर में जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी कतली कट कर लेंगे। और इस तरह से आप देख लीजिए मैंने कैसे फैलाया है। और उसके बाद हमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, और ये मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है, और इसके इस तरह से पीस पीस आप अपने हिसाब से बड़े छोटे पतले लंबे कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बर्फ़ी के शेप में कट किया है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कितने अच्छे बने हैं, एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरी पितौड़े और ये बेसन की कतली रेडी हो गए हैं, मैंने इतना रखा है। और इसके बाद हम अब इसकी करी बनाएंगे, तो करी बनाने के लिए हमें क्या करना है वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है जार, और जार में मैंने डाला है जो मैंने टोमेटो, ऑनियन, गार्लिक, चिली सब, जिंजर जो मैंने लिया था उसको मैंने जार के अंदर ऐड कर दिया है, और इसका पेस्ट मैं बना लूँगी। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में लिया है, उसके अंदर मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, और अब इस तेल के अंदर अब हम इसके अंदर मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच। उसके बाद तो मैंने थोड़ा 1/4 मैंने हल्दी ऐड किया है, और थोड़ा चिली पाउडर ऐड किया है। और हम तेल में ही इन मसालों को भून लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए तेल के अंदर। और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी ताकि इससे अच्छे से मसाला भून जले नहीं हमारा, और अच्छे से मसाला भून जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से भून गया है। इसके बाद हम इसके अंदर जो पेस्ट रेडी किए हैं वो ऐड करेंगे। और तेल के अंदर मसाले डालने से बहुत अच्छा कलर भी सब्ज़ी का आता है, और मसाले भी हमारे अच्छे से भून जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो पेस्ट रेडी किया था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, तब तक भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मेरा मसाले भून रहा है, तो आप देख सकते हैं और मसाला हमारा काफ़ी भून गया है, और यहाँ पे ऑयल भी थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो इस तरह से हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद हमें क्या करना है कि फिर हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे क्योंकि हमें करी बनाना है। तो अभी आप देख सकते हैं मसाला भून रहा है, तो इसको भूनने में 5-7 मिनट लगेगा। और अब देख सकते हैं आप मसाला काफ़ी अच्छे से भून चुका है हमारा, और अच्छे से भून गया है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर हमें गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि गर्म पानी जब हम ऐड करेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो मैंने एक साइड में कर लिया है गरम, और इधर मैंने यहाँ पे 2 स्पून मैंने यहाँ पे कर्ड लिया है, और उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो कर्ड को मैं अच्छे से और एकदम लो फ्लेम पे डालूँगी, नहीं तो फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने कर्ड को डाल के और चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पे मैंने देखिए अब गर्म पानी मैंने ऐड कर दिया है। तो अब ऐड करने के बाद इसको हमें पकाना है, और इसमें तब तक हमें पकाना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाए। बॉयल आने के बाद ही जो मैंने बेसन के जो मैंने कतली बनाए हैं वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है, और अब इसे हमें ढक देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा बॉयल आ गया है, और उसके बाद जो मैं बेसन की कतली बनाए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, जो ये कतली है इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि बहुत ऑयल अधिक होगा इसलिए मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, बहुत लोग फ्राई भी कर देते हैं इसको। तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, और एकदम पनीर जैसी लगती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। और आप इसको बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छी बनती है ये। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी, कलर भी इस तरह का हमें ग्रेवी इसका रखना है, और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। एक बार अगर आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए धनिया को ऐड कर दिया है, और हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को और यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं सर्व कर रही हूँ। और ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ और राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। राइस के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी आपकी चॉइस है किसके साथ आप खाएं तो आप देख सकते हैं। हमारे जो पितौरे बने हैं वो बिल्कुल खड़े खड़े हैं, बिल्कुल घुले नहीं हैं। अगर आप इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो ये घुल जाएंगे, इसलिए हमें एक उबाल अच्छा सा आने के बाद ही डालना है। ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है धनिए से। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।